रात को करीब 10 बजे मुझे सूचना मिली कि सड़क दुर्घटना हुई है। मैं सरकारी अस्पताल पिंडवाड़ा पहुंचा तो बोलेरो गाड़ी में मृतक अफजल की लाश पड़ी थी। परिजनों से सहमति लेकर के मोर्चरी में लाश रखवाई। फिर इसके परिजनों ने कहा कि हमारे परिवार आएंगे तब हम पोस्टमार्टम करवाएंगे। फिर सुबह हॉस्पिटल आया, परिजनों ने कहा कि पहले मौका तस्ती करो, तो मैं उसके साथ में मैं मौका तस्ती करने के लिए अटा टैक्सी सीमेंट अमली गया। मौका स्थिति देखी तो परिवादी ने बताया कि मेरा भाई सीमेंट की त्रिपाल बांधते समय पैर स्लिप होने से गिरने से ट्रक ऊपर होकर निकलने से मृत्यु हुई है। मौका तस्दीक करवाकर पुनः यहाँ आया। परिजनों ने आपस में परिवादी और अटाटक सीमेंट फैक्ट्री से विचार विमर्श करके आपस में समझौता किया गया। समझौता होने के बाद में उन्होंने सहमति दी कि हमारी कार्रवाई चालू करो, तब मैंने कार्रवाई चालू करवाकर पोस्टमार्टम करवाया गया और लाश परिजनों को सुपुर्द कर रहा हूँ। आप जब मौके पर गए, मौके पर कुछ अलामत देखे आपने ऐसे कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होगा? मौके पर गया था, अलामत कोई ऐसी नजर नहीं आया। तो ऐसे कैसे उसको मतलब जस्टिफाई कर दिया कि वो मौत है, एक्सीडेंट हुआ? उसका सगा भाई कह रहा था कि पैर स्लिप होने से एक्सीडेंट हुआ है। ये किस कंपनी में काम करता था? अटल सीमेंट फैक्ट्री में। या ये अच्छा कंपनी में अरुण ट्रांसपोर्ट में। अरुण ट्रांसपोर्ट में काम करता था। अभी जो अरुण ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसने उसको पैसे दिए हैं या और किसी ने उसको पैसे दिए? जो 6 लाख रुपये की बात हुई है क्या हुई? वो तो परिवार वालों के आपस में बात हुई। मतलब आपको लगता है कि वहीं पे एक्सीडेंट हुआ? हाँ वहीं एक्सीडेंट हुआ। कैसे, किस प्रकार से लगता है? सिर्फ उसके कहने से? नहीं, उसके कहने से नहीं, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री से तस्दीक की और वहाँ लोगों से भी तस्दीक की मैंने, तो वास्तव में पाया कि एक्सीडेंट उसी जगह हुआ। अच्छा, जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस समय क्या फैक्ट्री की तरफ से या उसके परिवार जनों की तरफ से आपको सूचना दी गई कि मौके किस प्रकार से हुआ, जो अपार हुआ था? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं। जब हॉस्पिटल आए उस समय सूचना, हॉस्पिटल पहुँचने बैठ क्यों लगे? क्या वो उस समय जिंदा था या मर गया था वहीं पर? नहीं, उन्होंने बताया था कि मर गया था, पर मैंने भी आकर यहाँ देखा था उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जब वो मर गया था तो उसको वहाँ से लाने में पुलिस का सहयोग क्यों नहीं लिया गया? क्यों वो डायरेक्ट ले गया जिसकी पीछे क्या काम था? तो अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री की ठेकेदारी जान ली। आप उसकी जाँच कर रहे हैं तो आप उसमें जाँच के विषय के आगे, जब मैं जाँच करूँगा तब आगे सबूत आएंगे, तब क्लियर होगा। ओके।